नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं टारगेट क्रिक एग्जाम। रेलवे भर्ती परीक्षा 2018 आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट्स के लिए एक वेटिंग स्पेशल वीडियो। जी हां दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, आप लोगों की मांग को रेलवे ने आखिर स्वीकार किया है। तो चलिए दोस्तों, नोटिस कहाँ से आया है, क्या नोटिस है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम देखते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारी नोटिस कैसे मतलब क्या हुआ उसके पीछे का भी वजह मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए देर न करते सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस करिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों, ये नोटिस है आपका आरआरसी साउथ सेंट्रल रेलवे से। जी हाँ दोस्तों, साउथ सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट पे ये नोटिस अपलोड की गई है। चलिए मैं आपको सीधा साउथ सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट पर लेके आ जाता हूँ, जिसकी वैकेंसी दोस्तों आरआरबी सिकंदराबाद की तरफ से आई थी। तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, ऐसे मेन वेबसाइट पे आएंगे, आपको नीचे यहाँ पे फ्लैश नोटिस दिखाई देगा, इंपॉर्टेंट नोटिस टू कैंडिडेट्स हु हैज अपीयर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी अंडर 1/2018। तो इसको चलिए हम ओपन करके देख लेते हैं। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपको एक नोटिस ओपन होता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस नोटिस में क्या मेंशन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस में लिखा गया, कैंडिडेट हु अपीयर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी टेक्नीशियन अंडर 1/18 फॉर आरआरबी सिकंदराबाद एंड हैज बीन प्लेस्ड इन रिवर्स लिस्ट आर इन्फॉर्म दैट इट हैज बीन डिसाइडेड टू फिल अप द नीड वैकेंसी विच आर अराइजन ऑन अकाउंट ऑफ इम्पेरेंट कैंडिडेट हु डिड नॉट ज्वाइन अगेंस्ट द ऑफर ऑफ प्रोबेशनर एएलपी। मतलब दोस्तों, जो कैंडिडेट एएलपी में आपका ज्वाइन नहीं किए हैं उनकी जगह पे यहाँ पे स्टैंड बाई लिस्ट से कैंडिडेट को लेने का डिसीजन लिया गया है। जो कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आरआरबी सिकंदराबाद ने एक ऑलरेडी ऑफिशियल नोटिस निकाला था, जिसमें उन्होंने बोला था कि हमारे पास वैकेंसी ज़्यादा हो, मतलब कि सरप्लस वैकेंसी हो गई है, हम आपके अब कोई भी स्टैंड बाई कैंडिडेट से नहीं ले सकते नॉन टर्नअप पर भी। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खबर है, खुशखबरी है कैंडिडेट्स के लिए सिकंदराबाद बोर्ड के। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि रीज़न क्या बताया है इन्होंने कि जो सरप्लस कम हुआ है वो है दोस्तों इंटर जोन रेलवे ट्रांसफ़र, जो कि दोस्तों इन्होंने बस लिख दिया है वो अलग बात है, बट इस आप लोगों का जो मेहनत है उसी का ये इम्पैक्ट आया है, ये चीज़ श्योर है। इंटर रेलवे ट्रांसफ़र और जो वैकेंसी है ऐसी कोई यहाँ पर मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि अभी 10 दिन पहले तक तो कोई ट्रांसफ़र हुआ नहीं था। तो आप खुद सोच सकते हैं, नोटिस देना अलग चीज़ होती है, बाकी चीज़ें अलग है। इसमें एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही मोटे तौर पे यहाँ पे बोल्ड करके लिखा गया है कि दोस्तों किसी भी तरह के जो भी ऑफिशियल है नॉन ऑफिशियल के पर्सन के थ्रू जो ट्राई का इम्प्रेस पे थ्रू ये कोई भी काम नहीं किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं इसको देने का क्या रीज़न है। आप लोग कल से मेरे पास मैसेज और फ़ोन कर रहे हैं कि भाई ये आया क्यों, कैसे और इसका पीछे मतलब किस तरह से इसको लाया गया। दोस्तों आप सिंपल सी बात समझ सकते हैं कि जिसने भी मेहनत किया, जैसे भी मेहनत किया है यहाँ पे आया है, समझ लीजिए कि आप सभी कैंडिडेट्स का मेहनत है, किसी चीज़ को पर्टिकुलर यहाँ पे बताया नहीं जा सकता। उस कैंडिडेट या उस दोस्तों जो जितने भी कैंडिडेट ने इस पर एफर्ट लगाया उन सबके लिए गलत हो सकता है, तो ये प्रोसेस बताया नहीं सकता। बस इतना आप लोग जरूर कहूँगा दोस्तों कि आप लोग जो मेथड यूज़ कर रहे हैं बहुत ही अच्छे मेथड यूज़ कर रहे हैं। आप लोग जितना प्रेशर बनाते रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट देखने को मिलेगा। हिम्मत मत हारिए, बस आप लोग कोशिश करते रहिए, आप लोगों की जीत जरूर होगी। आई होप यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। बात करें इनका पैनल कब तक आएगा, तो दोस्तों उम्मीद है कि सितंबर या अक्टूबर में यहाँ से आपको रिप्लेसमेंट पैनल भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय।